का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का ब्लॉग पूरा गाड़ी पे है। मेरे दोस्त की जो गाड़ी है NS 200, हम उसको फुल मॉडिफाई कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। मतलब उसने सेकेंड हैंड ली थी और सेकेंड हैंड उसने एक साल पहले ली थी और आज नाम पर हो रही है। मतलब समझ लो कि बहुत ये कि बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल चेंज कराना है और इंजन ऑयल के साथ दो चीज़ और डलेंगी जो आपको वीडियो में ही देखेंगी। मैं आपको ऐसा बताऊँगा नहीं, आप खुद वीडियो में देख लेना। और वो दो चीज़ डलेगी गाड़ी में, वो बहुत ज़्यादा यानी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप वीडियो में देख लेना, मैं बता नहीं सकता। सो गाइस, सो व्हाट्सअप एवरी वन एंड होप ऑल यू विल फाइन। दिस इज योर राहुल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग यहीं से। सो गाइस, हमें पता है कि बारिश हो, बारिश का महीना आ चुका है, तो हमने पहले व्यवस्था कर ली थी। मतलब पीछे मैंने जो मडघाट इसका पीछे लगा लिया था ताकि पानी पीछे उछले ना, मतलब जो पीछे बैठेगा उसके कपड़े गंदे ना हो। सो गाइस, चलते हैं हमारे दोस्त के घर। अभी उसकी गाड़ी उसके पापा लेकर गए हैं, तो उसकी गाड़ी को लेके आना, फिर उसमें डलेगा इंजन ऑयल नया वाला डल रहा है और दो तीन प्रोडक्ट और डल रहे हैं अच्छे अच्छे जो आपको वीडियो में ही दिखेंगे। तो अभी चलते हैं उसके घर। और ये हमारी धन्नू, ऐसा मैं आपको पूरा सिनेमैटिक में नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ अभिषेक के घर पे। उसकी गाड़ी वो सामने खड़ी है। इसी में आज बहुत सारा काम है, मतलब बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत काम है। जे वो इंसान जिसकी गाड़ी है, ये भाई साहब ने जब से गाड़ी ली जब से नाम पे नहीं करवाई, वो गाड़ी वाला बहुत परेशान है इससे। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control it. Talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. Can't control feeling in my bones. I'm coming for the, coming for the. सो गाइस, ये है 1500 ml, लेकिन गाड़ी में डलता है 1200 ml, तो हमने 300 ml रख लिया है, नेक्स्ट टाइम डाल देंगे उसको। अब वो तो चुंगी क्यों नहीं लगा यार? You should have known I'd never kiss the rain. Pakalda pakalda.
सो गाइस अब फाइनली बात करते हैं वो दो प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन पहले आप पहले मौसम इंपॉर्टेंट है, तो पहले मौसम की बात करें तो आप पीछे मौसम देख रहे हो कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सटीक हो रखा है, लेकिन ये सटीक हो रहा है लेकिन पानी गिर नहीं रहा, जो कि बहुत गलत है। मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बस ये मौसम प्यारा होता है लेकिन बारिश नहीं होती, जो कि बहुत गलत है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। 3 दिन या मतलब लास्ट टाइम जो पानी गिरा था उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकता। और पानी जब से गिरा ही नहीं है, मतलब 15-20 दिन से पानी नहीं गिर रहा है। अभी बीच में गिरा था हल्का सा, रात में गिरा था, 15 दिन पहले या फिर 8 दिन पहले गिरा होगा, रात में गिरा था, 8 दिन पहले गिरा था आई थिंक, हाँ 8 दिन पहले गिरा था, रात में गिरा था, वो भी बहुत कम गिरा था। जब से पानी नहीं गिर रहा, और जब से पानी नहीं गिरा 8 दिन पहले से, और इस 8 दिन में इस कदर की जो गर्मी पड़ी ना बॉस, वो बता नहीं सकता आपको कितनी ज़्यादा गर्मी थी। आप समझ सकते हो मेरी भावना उसकी, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, वाकई में गर्मी पड़ी होगी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आज मौसम हो रहा तो पानी गिरना चाहिए मेरे हिसाब से, तो पानी गिरना ही चाहिए आज। फाइनली बात कर लेते हैं उन दो प्रोडक्ट के बारे में जो हमने सुबह डलाए थे। पहला इंजन फ्लशर, इंजन फ्लशर आप नाम में ही फ्लशर है, मतलब यानी आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसको एकदम साफ कर देगा। आपकी गाड़ी में जो कचरा वचरा पड़ा होगा, आपकी गाड़ी के इंजन में जो कचरा वचरा पड़ा होगा उनको पूरा साफ कर देता है, मतलब पूरा बाहर निकाल देता है, और आपका इंजन को एकदम पूरा क्लीन कर देता है। और सेकंडली हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रोडक्ट के बारे में, बात करें MOS2, जिसका काम है आपकी गाड़ी को एकदम स्मूथ करना एंड वाइब्रेशन से एकदम फ्री करना। गाड़ी में जो भी ऑयल डालेंगे उसको हल्का सा मोटा कर देता है वो, एंड वाइब्रेशन को एकदम फ्री कर देता है, और गाड़ी हद से ज़्यादा स्मूथ कर देता है, क्योंकि मैंने खुद ने चला कर देखा। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास भी NS200 है, तो मैंने कंपेयर करके देखा था, वाकई में गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी गाड़ी एकदम। एंड आपके इंजन को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। जैसे आप गाड़ी भगाओगे तो आपकी गाड़ी का इंजन को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है, बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। एंड ये वाला हाथ बहुत तेज दर्द करने लगा, तो एक मिनट ज़रा थोड़ा सा आप रुकेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप थोड़ा रुकें, थोड़ा सा हिला लें, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है। हाँ ठीक है। तो सो गाइस मैंने मेरी गाड़ी से कंपेयर करके देखा था, तो वाकई में गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया था। एंड अगर आप खींचोगे तो कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा था, अगर आप मतलब आप फर्स्ट गियर पर अगर आप उसको खींचोगे तो कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा था, उसमें बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं आ रहा था। एंड एक बात और है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी में ऑयल अच्छा यूज़ करें, वैसे ही आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। अगर आप अच्छा ऑयल यूज़ करेंगे तो वैसे ही आपकी गाड़ी स्मूथ होगी। उसने ऑयल भी अच्छा यूज़ किया था, उसने ऑयल डाला था, उसने मोटिल का ऑयल डाला था, उसका नाम आई थिंक 1050W ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं फोटो डाल दूंगा आप देख लेना। सो गाइस व्लॉग को ये एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें। ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, मैं सिंगर थोड़ी ना। हाँ सो गाइस व्लॉग को ये एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी या फिर व्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें एंड शेयर कर दें, एंड कमेंट्स में आपके थॉट्स जरूर लिखें कैसा लगा व्लॉग। एंड बहुत हो गया, एंड स्टे पॉजिटिव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव।